फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के अंडर में फंगी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। फंगी के लिए भी जो ह्यूमन बॉडी में बहुत रकम का डिजीज़ होता है, तो फंगी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ये तो हम लोग समझ गए, फंगी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। एंड वो लोग माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, ये जेनेरा को बिलोंग करते हैं। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ रिंगवर्म। जो रिंगवर्म है वो राउंड करके एक पैचेस डेवलप होता है स्किन में, उसको रिंगवर्म कहते हैं। और उसमें वो ड्राई रहता है, स्केली रहता है, इंटेंस इचिंग रहता है, ठीक है। और हीट और मॉइस्चर इस तरह के फंगी को डेवलप करने में हेल्प करता है। और दे मेनली अफेक्ट द ग्रोइंग्स एंड द और बिटवीन द टूज, ठीक है। और ये लोग कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ये लोग ट्रांसमिट होते हैं थ्रू इन्फेक्टेड सॉइल और यूजिंग टावल्स, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। कोई भी अगर इन्फेक्टेड सॉइल है, मतलब बालू, हाँ, अगर ट्रांसमिटेड, देयर मेनी ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड सॉइल्स, और किसी अफेक्टेड पर्सन के कोई अगर टावल यूज़ करता है, को क्लोथ्स यूज़ करता है, बा कोई चूल झाड़ने के लिए कॉम्ब भी यूज़ करता है, तभी भी ये डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। थैंक यू।